नमस्ते, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ चिली चिकन की रेसिपी मेरे स्टाइल पे, जो कि ऑथेंटिक चिली चिकन की रेसिपी से थोड़ी सी अलग है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं इसे बनाने की विधि। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चिकन ले लिए है। चिकन मैंने करी कट करके लिया है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ विथ बोन चिकन, यानी कि चिकन थाई पोर्शन से ही मैंने यहाँ पे चिकन लिए है। तो मुझे एक्चुअली चिकन जो विदाउट बोन वाली चिकन मुझे उतना नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैं हमेशा विथ बोन चिकन ही लेती हूँ। तो चिकन को मैंने एक नींबू, काली मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल के साथ मैरिनेट करके एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी। एक घंटे के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ कॉर्नफ्लोर और अब मैं इसमें मिला दूँगी एक अंडा। इसके साथ भी मैं अच्छी तरीके से चिकन को मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, तो तब तक चलिए हम लोग यहाँ पे कैप्सिकम और प्याज को काट लेते हैं। सबसे पहले मैं कैप्सिकम को चौकोर टुकड़ों में काट लूँगी और इसकी जो अंदर की जो वाइट पार्ट है और बीजे है, इसको ज़रूर से हटा लीजिएगा। और कैप्सिकम के शेप में ही मैं अभी प्याज को भी काट लूँगी। और अभी मैं प्याज की सारी पेटल्स को अलग अलग करके रख दूंगी। अभी मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन पे ले लिए है रिफाइंड ऑयल और अब मैं इसमें एक एक करके सारे मैरिनेटेड चिकन को डाल दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, चिकन पर अभी बहुत ही एक अच्छी कलर आ चुकी है और ये अच्छी तरीके से फ्राई भी हो चुकी है। तो अब मैं एक एक करके चिकन को हटा लूँगी ऑयल से और इसी तरीके से सारी चिकन को फ्राई कर लेंगे। और अभी मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई पे मैंने सेम ऑयल ही इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने चिकन फ्राई कर लिया था, ताकि चिकन की सारी अच्छी जो फ्लेवर्स है वो भी आ जाए। और अभी आप जैसा कि देख पा रहे हो, मैंने ऑयल पे सबसे पहले मैंने डाला था चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और कैप्सिकम और इसे अब मैं नमक के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पे। मुझे इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसकी क्रंच इसमें रहनी चाहिए, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। मुझे जितना चाहिए था ये उतना फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें मिला दूँगी 2 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप। इसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी 3 टीस्पून चिली सॉस। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी लगभग 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस। अभी इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई होने दीजिए। तो देखिए, ये अभी लगभग फ्राई होने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ 1 कटी हुई टमाटर। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग अगर चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ही मैं इसमें मिला रही हूँ फ्राइड चिकन। चिकन को अब केचप के साथ और प्याज और कैप्सिकम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिलानी है और हमें थोड़ी देर के लिए चिकन के साथ इन्हें भूननी भी है, ताकि चिकन में इसकी सारी फ्लेवर्स अच्छी तरीके से आ जाए। और चिकन को काफ़ी देर तक भूनने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ 1 टीस्पून जितना ग्रेटेड जिंजर। इससे एक बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। अगर आप लोग मिलाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगी, अगर आप लोग चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। थोड़ी सी कलर अच्छी इन्हेंस होने के लिए मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिला रही हूँ। अब मैं इसमें मिला रही हूँ गरम पानी। मुझे ड्राई चिली चिकन नहीं बनानी है, थोड़ी सी ग्रेवी मुझे इसमें चाहिए, तो मैं अब इसमें पानी मिला दी हूँ। और अभी मैं इसे ढक के 20 से 25 मिनट के लिए पका लूँगी। और 20 से 25 मिनट के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ ग्रीन चिलीज और इसमें मैं मिला रही हूँ क्रश्ड काली मिर्च। इससे बहुत ही अच्छी एक फ्लेवर आती है। तो अब ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं गैस ऑफ करके इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि सारी फ्लेवर्स इसमें अच्छी तरीके से मिल जाए। तो देखिए, ये रही इसकी फाइनल लुक।
आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस रेसिपी को एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।